हेलो बेटा, हम कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा के बारे में लिखिए। तो आपको इन तीनों के तीनों उत्तर के बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो पैरेंकाइमा आपका जो होता है इसकी, और जैसे मैं बताता हूँ, सेल वॉल जो होती है वो छोटी पतली होती है, थिन होती है, थोड़ी इसकी जो होती है मोटी पतली होती है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, अब थिन भी होती है, थिकर भी होती है, और ये इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिकर होती है, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा इसमें जो आप ये बोल सकते हैं कि भाई इसका काम क्या होता है, पैरेंकाइमा का, पैरेंकाइमा का काम होता है फूड स्टोर करना, भोजन संचय करना। कोलेनकाइमा का काम हो गया भाई आपका प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस करना, और ये कुछ भी ऐसा है प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है बेटा, ठीक है। इसमें इनके अंदर लिग्निन जमा होता है, लिग्निन एक केमिकल होता है जो जमा होता है इसमें, होता है पैक्टिन जमा होता है, ठीक है। बाकी आपको पता चल मिल जाएगा बुक के अंदर। लेबल डायग्राम वो आपका तंत्रिक कोशिका, आपको तंत्रिक कोशिका डायग्राम चित्र बनाना है और कार्य समझाना है, ठीक है ना। तो ये आपका बना हुआ है बुक के अंदर, बना हुआ मिल जाएगा बेटा आपको, जो तंत्रिक कोशिका मैं आपको बताया था। थोड़ा सा इस तरह से इसमें डेंड्राइट्स होते हैं आपके, और इसके अंदर इस तरह से ये बना होगा आपका, ठीक है, ये इस तरह से बना होता है, ठीक है ना। ये डेंड्राइट एडसोन एडसोन होते हैं इसके अंदर, ठीक है, इस तरह आपको मिल जाएगा। ये आपका सेल बॉडी होती है, और फंक्शन तो बताओ, पता ही है, मैसेज को जो ट्रांसफर करना होता है, इनका कार्य क्या होता है, सूचना को एक आदान प्रदान, मतलब एक जगह दूसरी जगह पे ले जाना। अगला ऑप्शन है आपका, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला एक बॉक्स ब्रेक लगने पर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अवमंदन उत्पन्न करता है, ये डिब्बा कितने समय में विरामावस्था में पहुंचेगा। अ बॉक्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड प्रोड्यूसेस एन डीएक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, इन व्हाट टाइम टिल विल द बॉट्स रीच रेस्ट। मुझे पूछ रहा है कि भाई बॉट्स कितने पे रुके जाके रुकेगा, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, विरामावस्था। तो आपको फाइनल आपको सीधा पता लग रहा है कि भाई जब जो आपका जो आपको मतलब, एक तो उसने बोला हुआ डी एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो त्वरा ए है आपका वो माइनस में आएगा, मतलब क्योंकि स्पीड कम हो रही है बेटा, ठीक है। दूसरा यू आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, वी आपका हो गया 0, क्योंकि विरामावस्था मतलब रेस्ट पे पहुंच चुका है वो, और आपसे पूछ रहा है वो इन वट टाइम, टाइम पूछ रहा है आपसे, सॉरी डिस्टेंस नहीं, टाइम पूछ रहा है आपसे। तो वी बराबर यू प्लस ए टी आपने पढ़ाया हुआ है, इसे सोल्व कर लेंगे आप, तो वी आपको पता है 0 है, यू आपको पता है 20 मीटर प्रति सेकेंड है, प्लस ए आपको -5 दिया हुआ है, इंटू में टाइम आपको निकालना है, टाइम यहाँ से आपका 4 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, सोल्व कर लेना आप। अगला क्या, तरंग किसे कहते हैं, तरंग का मात्रक भी लिखिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन और व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको पता है रेट ऑफ चेंज इन वेग की, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है आपकी, त्वरण कहलाती है बेटा। और इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, और इसका जो मात्रक है वो होती है m/s², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। देखिए बेटा, अगला ऑप्शन है, एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति क्यों कहते हैं, त्वरित वाई इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन। तो बेटा जब जब आपकी स्पीड, जब वेग आपका घटता बढ़ता है तो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप इधर जाएंगे तो आप यहाँ पे आगे जब कट आएगा, थोड़ा सा स्पीड स्लो करेंगे आप, ठीक है ना, फिर आप उसको फिर दोबारा से जैसे ही आपको थोड़ा सा पार्ट सीधा मिलेगा फिर स्पीड बढ़ाएंगे, तो इसलिए एक्सेलरेशन मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप क्या करते हैं काफ़ी जगह क्या करते हैं स्पीड को इंक्रीज करते हैं, स्पीड को स्लो भी करते हैं इंक्रीज भी करते हैं, इसलिए हम स्लो या मोशन रूल का बोलते हैं, एक्सेलरेटेड त्वरित गति कहते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से तय करती है, कार की औसत गति क्या है। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेट्स 30 किलोमीटर विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, वट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो एवरेज स्पीड जो होती है आपकी, औसत गति का फॉर्मूला जो होता है आपका, वो होता है टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे में टोटल टाइम, ठीक है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 30 जाने का, 20 आने का। अब टाइम कैसे निकलेगा, सॉरी टाइम निकलेगा जाने का 30/40 भाई, दूरी बटे में चाल, मतलब आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और यहाँ पे 20 अपॉन में आपकी स्पीड, जाने वाली स्पीड है आपकी, सॉरी
अगले 30 ही, सॉरी 30 ही है बेटा, ठीक है ना, 30 है, ये भी 30 है, ये आपका 20 है, ये आपका आ जाएगा, ये टाइम हो गया जाने का, टाइम हो गया आने का, ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका, इससे आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर पर आवर की गति को मीटर पर सेकंड में बदलें। तो सिंपल है, अगर आप जो 50 किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, 6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 18/5 से, उल्टा जस्ट अपोजिट है, कर दे जो है, क्योंकि आपको बता रहा हूँ जैसे 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है आपको, तो किलोमीटर में कितने आर होते, किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और पर आवर मतलब बटे में आर है, कितने सेकंड होते हैं इसमें, 3600, तो आप इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5/18, इसीलिए मैंने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ड्राइवर एक कार की गति को 25 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक ले जाने में 5 सेकंड लगाता है, कार का त्वरण क्या है, और ड्राइवर टेक 5 सेकंड टू टेक द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम इतना टू इतना, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द कार, मतलब 25 10 तो स्पीड तो कम हो रही है, तो भाई आपको पता ए क्या होता है, ये निकालना आपको वी माइनस यू बाई टी, आपका ए ये है, ये सॉरी ये यू है, ये वी है, टाइम आपको दिया हुआ है, सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है, माइनस में लगा आंसर ध्यान रखना। और एक स्कूटर स्टार्ट होने के बाद 10 सेकेंड के बाद इतनी स्पीड हो जाती है उसकी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि प्राप्त कर लेता है स्कूटर का त्वरण क्या है, स्कूटर आफ्टर इट स्टार्ट गेंस वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। देखिए पहले जब आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो और टाइम सेकंड में दिया हो, इसको पहले चेंज कर लेना मीटर पर सेकंड में, तो जो वेलोसिटी है आपकी फाइनल वेलोसिटी बताइए, क्योंकि जब स्टार्ट किया उससे पहले जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था प्रारंभिक वेग, और ये 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और आपको 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आपको वी पता है, यू पता है, टाइम पता है, ए निकाल दीजिए, ए बाई वी माइनस यू बाई टी। अगला क्वेश्चन भी आप कर ले सकते हैं आराम से, एक कार की गति 5 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ के 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, कार का त्वरण क्या है, द स्पीड ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सेम जी आपको यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपको, ठीक है, और आपको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना और ए निकालना है आपको, फिर आपको पता है वी माइनस यू बाई टी करना है, सोल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 2 मिनट में 105 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार की परिक्रमा करता है, उसकी गति क्या है, अ साइकिलिस्ट सर्कुलेट अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 105 मीटर इन 2 मीटर्स 2 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड। तो भाई उसने आपसे 105 मीटर की त्रिज्या मतलब आर आपको दिया हुआ है 105 मीटर, कितने पूरे का पूरा पथ एक चक्कर चक्कर लगाया उसने, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, 2π r, ये डायमीटर नहीं है बेटा, ये आप दूरी ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है ना, तो 2π हो गया 2π/7 इंटू में आर आपको दिया हुआ 105 बटे में, तो ये आ गया आपका सो डिस्टेंस आ गया, आपको निकालनी है स्पीड, तो स्पीड क्या होती है बटे में, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे में समय, तो डिस्टेंस ये रहा, टाइम आपको दिया हुआ है 2 मिनट्स, इसको चेंज कर लेना प्लीज़, 2 गुणा में 60 सेकेंड में चेंज कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप ऐसे रखेंगे कि भाई डिस्टेंस आपका 2 × 22/7 इंटू में 105 बटे में 2 × 60, तो आपका आ जाएगा आंसर। अगला आपसे पूछा कि बर्फ का गलन क्या होता है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो ये आपका 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन होता है, सॉरी, या 0 डिग्री सेल्सियस होता है आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गैसों को द्रवित कैसे किया जाता है, हाउ डू गैसेज लिक्विड फाइट, बेटा इसका आंसर कैसे करोगे आप, तो आप प्रेशर दाब लगा के उनको गैसेज को क्या कर सकते हो, द्रवित कर सकते हो, लिक्विफाइड चेंज कर सकते हो, ये अप्लाई बाय अप्लाइंग प्रेशर इंक्रीज प्रेशर दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, तो ये आपका होता है सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। अगला, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, वाई सॉलिड CO2 कॉल्ड द ड्राई आइस, तो हम इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इट लुक लाइक्स इज अ लुक लाइक ड्राई आइस, मतलब इसे शुष्क बर्फ की तरह नज़र आती है CO2, ठोस CO2, और ये सीधा आपको कन्वर्ट हो जाती है, जो CO2 है वो सीधा कन्वर्ट हो जाती है बेटा गैस में, ठीक है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उस बार देखा होगा आपने, निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस की इकाई में
परिवर्तित कीजिए चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। तो भाई कैलविन में दिया हुआ है, जब भी आपको कन्वर्ट करना हो उसको -273 कर देना है, आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। इसे भी -273 करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जस्ट के अपोजिट अगर आपको सेल्सियस में दिया हो, जैसे मान लीजिए 273 डिग्री सेल्सियस दिया हो आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप 273 प्लस करेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन ओवर पातन किसे कहते हैं, दो पदार्थों के नाम लिखे जो ओवर पातित होते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन नेम टू सब्सटेंसेस विच सब्सटेंसेस विच हैव सब्लिमेटेड। तो भाई सब्लिमेशन ओवर पातन का मतलब होता है जब चीज़ें, अभी आपको बताया मैंने, ठोस सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ओवर पातन कहते हैं। एक तो कपूर हो गया, दूसरा आप खुद बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालेंगे बेटा। ठीक है, अगला ऑप्शन है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, राइट द फैक्टर विच अफेक्टिंग वेपोराइजेशन। तो भाई इसमें तो बहुत सारे फैक्टर हैं, एरिया हो गया आपका, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी हो गया, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण का मतलब क्या है बेटा, पानी का भाप बन के उड़ जाना, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा एरिया खुल के, अब देखो जैसे आपने कोई कपड़ा डाला है आपने, तो कपड़े को अगर फैलाई डालोगे तो जल्दी सूख जाता है, तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है उससे इसका, ठीक है। दूसरा आपका ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, नमी, जैसे बारिश के सीज़न में क्या होता है, ठीक है ना, आपको पता ही है। कपड़े फिर आप बोल सकते हैं कि भाई जो कपड़े आपके, कपड़े जो हल्के वाले पहनते हैं हम, आप ये बोल सकते हैं कि भाई तापमान जो होता है आपका, टेम्परेचर जो है वो भी वाष्पीकरण को बढ़ा देता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण वेपोराइजेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका होता है वायु में गति, अगर हवा चलेगी ना, एयर, अगर एयर चलती है तो बेटा तब भी आपका वेपोराइजेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगले वो दो क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंड है, वेपोराइजेशन वाले पे, कि भाई गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, वाई विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी शुड वी वियर इन समर। तो भाई कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, कॉटन क्लोथ्स में क्या होता है, जल्दी से हवा वास पास हो जाती है, हवा पास होती है और हमारी मतलब स्किन को भी अच्छा लगता है। दूसरा क्या है, वेपोरेशन बढ़ जाता है, ठीक है, जो पसीना आ रहा होता है वो फटाफटाफट से वेपोराइज कर जाएगा, स्वेटिंग जो होगी, और दूसरा उससे हमें फिर कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, उससे शीतलता मिलेगी हमें, ठंडा चलेगा बेटा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर, इसका भी आंसर यही है, हथेली पर एसीटोन रखने पर हमें शीतलता क्यों महसूस होती है, वाई आर फीलिंग कूल इवन पुट एसीटोन ऑन आवर पाम, एसीटोन वेपोराइज हो जाता है, और जब वो वेपोराइज होता है तो वहाँ पे वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है, कूलिंग इफेक्ट शीतलन प्रभाव डालता है और वो हमें अच्छा ठंडा लगता है बेटा, ठीक है। बाकी दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार 10 किलोग्राम है, पृथ्वी केंद्र पर लाने पर इसका भार कितना होगा। अ बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 10 kg ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, व्हाट विल द वेट ऑफ द व्हेन टेकन टू सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो भाई इसका भार कितना होगा अगर पृथ्वी केंद्र पर ले जाते हैं तो, ठीक है ना, ये आपसे पूछा हुआ है। तो बेटा इसका आंसर होगा 0, ठीक है ना, क्योंकि जब सेंटर पर पहुँच जाओगे आप अर्थ के, वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। एक कारक का नाम बताइए जिस पर जी निर्भर करता है, नेम द फैक्टर ऑन विच जी डिपेंड। तो बेटा होता है मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है, फॉर्मूला होता है gm/t² द डिस्टेंस पे और मास पे, द्रव्यमान पे। उसके बाद पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 16 ग्राम है, चंद्र पर इसका द्रव्यमान क्या कितना आया, क्यों, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थ इस 1600 ग्राम, वट इज़ द मास ऑफ द मून वाई। तो भाई इस जो मून पे होगा 1/6 हो जाता है, तो ये है रीज़न क्या है कि भाई वहाँ की जो ग्रेविटी है जी बाई जो अर्थ की ग्रेविटी से है 1/6 होती है, ठीक है, ये इसका वो है। तरंगी तरंगों को जानते हैं, तरंगी जो कहते हैं, वाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो भाई मैकेनिकल मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा, तो दोनों ही इसके अंदर साउंड वेव में पाई जाती है बेटा, जब वो ट्रेवल करती है दोनों ही होती है इसमें, ये एनर्जी पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों ही मैकेनिकल वेव्स इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वी दिया हुआ है आपको, एक तरंग हवा में 300 मीटर 40 मीटर/सेकंड की गति संचरित हो रही है, इसकी गति तरंग देती क्या होगी यदि इसकी आवृत्ति 5 बार कंपन प्रति सेकंड है या 100 हर्ट्ज है, ठीक है। एक वेव मूविंग इज इन एयर विद द वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर/सेकंड कैन नॉट द वेवलेंथ इफ द फ्रीक्वेंसी इज 7 वाइब्रेशन/सेकंड 100 हर्ट्ज। तो भाई इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, म्यू आवृत्ति हॉल होता है वी बटे लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है, आप तरंग देती दी हुई है आपको, ये स्पीड है आपकी, ये आपकी आवृत्ति। तो आवृत्ति पहले आपको 512 रखनी है, तब आपको निकालना है वेग, ठीक है, वेग आपको दिया हुआ है तो वेवलेंथ निकालनी है पहले, ठीक है ना, पहले में भी ये फॉर्मूला लगाना, दूसरे में भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आपको यू म्यू दिया हुआ है, ये म्यू है फ्रीक्वेंसी, और वी आपको दे रखा है 340, लैम्डा फिर निकालना है बेटा, दोनों बार निकल जाएगा, ठीक है। और आपको दे रखा है कि सोनार स्टेशन की संकेत की प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनाई देती है, वस्तु की दूरी
क्या हो गया? सुनार स्टेशन पिकअप रिटर्न सिग्नल आफ्टर 3 सेकेंड, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट? तो भाई इसमें क्वेश्चन को सॉरी बेटा, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें आपको वेट नहीं दिया होगा, वो 14 14 मीटर पर सेकेंड लेना है आपको। तो फॉर्मूला सुनार का लगाना है आपको, 2d × v × t। तो डी आपको निकालना है, वी दिया हुआ है आपको 1440 और टाइम आपको दिया है 3 सेकेंड, इससे निकल जाएगा बेटा, ठीक है। और 500 मीटर ऊंची मीनार की चोटी पर पत्थर मीनार के आधार स्थित पर पानी तालाब में गिराया जाता है, पानी में इसके गिरने की धमनी चोटी टप सुनाई देगी। जी दिया हुआ है आपको, स्पीड दी हुई है, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 500 मीटर इंटू पॉइंट ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ टावर व्हेन इट्स स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। बट इसमें भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2d × v × t लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। वी आपको दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, पहले वो लगा देना आप। और आप इसमें दूसरा फॉर्मूला v = u + at पे लगाएंगे, ठीक है, इससे भी टाइम निकल जाएगा आपका। जी आपको जी पता ही है, ठीक है, और इन फॉर्मूला यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगला अगला क्या, निर्वात क्या है? निर्वात में ध्वनि संचार क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज़ वैक्यूम? वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम? तो भाई सीधी सी बात है, वैक्यूम जो होता है उसमें कोई भी पार्टिकल एब्सेंट प्रेजेंट नहीं होता है बेटा, ठीक है। और इसलिए पावर वैक्यूम में मतलब जो साउंड को चलने के लिए बेटा क्या जरूरत पड़ती है, पार्टिकल की जरूरत होती है, तभी वो ट्रेवल कर पाता है, इसलिए वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा वैक्यूम में, ठीक है। अगले तीनों क्वेश्चन बेटा बहुत ईजी है, आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है F = g(m1)m2/r² ये आप खुद कर लेना, आपको m1 m2 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एक m दिया हुआ है, आपको एक दूसरा m दिया हुआ है और r दिया हुआ है बेटा, तीनों चीज़ दी हुई है। g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹¹, वो आपको इनमें रखनी है, आप दोनों सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूले बताऊँ तो फॉर्मूले आपके पास यही रहेंगे जो आप करते हुए आए हैं, सारे फॉर्मूले बता देता हूँ मैं आपको, ये आपके फॉर्मूले चलेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूले आपके तीन इसमें हो गए। उसके बाद आपका F = f(s) और आपकी जो एनर्जी है वो आपको पता है ½mv² और mgh, और जो प्रोटेशनल जो पावर है आपकी वो E(w/t), आप दोनों फॉर्मूले कर सकते हैं कोई से भी, और टी से जोड़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपका ये फॉर्मूला जो मैंने बताया साउंड वेव में vc/λ, ये वेलोसिटी है बेटा, वेग है, ये तरंग दैर्ध्य है, ये आवृत्ति है, ये फॉर्मूला आपका 2d = u/t। यही फॉर्मूले बेटा, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है आपके, अगर ये छोटा जी वाला फॉर्मूला है m/d² बस, ठीक है, इन्हीं को देख लेना एक बार बस अच्छे से, बाकी पेपर आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।